is Heather Lee the next superstar? On the rise with Mayank Agarwal. खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रैप में, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी भैया, बात हम करने वाले हैं पाकिस्तान की, हम बात करने वाले हैं उनकी वापसी की, हम बात करने वाले हैं हैदर अली की। शुरू करते हैं वैसे एक्चुअली प्रोफेसर हफीज से, क्योंकि प्रोफेसर हफीज आई लाइक हिम, मेरे साथ केकेआर में भी थे और उन्होंने बता दिया, अगर पिछले आप उनके 10 T20 आईज देखे तो उनका औसत देखिए, आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, इज टेलिंग एवरीवन हाउ टू डू इट बॉस। सो ओल्ड इज स्टिल गोल्ड, एक्सपीरियंस का आपको जो तड़का चाहिए होता है वो वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान वेल डन टू कम बैक एंड इक्वलाइज द सीरीज, सो दैट्स फैंटास्टिक। और ये सीरीज तो वैसे भी क्रिकेट से ज़्यादा थी ना, लेट्स थिंक अबाउट इट, कि कोविड के टाइम में पहले वेस्ट इंडीज़ गई, उसके बाद पाकिस्तान गई, सो वेल डन पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, आपने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया, सो विच इज़ फैंटास्टिक। पहला टेस्ट भी आप जीत सकते थे, आप जीते नहीं, बट देन इट्स ऑलराइट, चलो लेट्स फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू हैदर अली। एंड हैदर अली के बारे में बात करना ज़रूरी है क्यों, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी है, अंडर 19 में इसको हमने पहली बार देखा था, अच्छा करते हुए देखा था, और तभी लगा था यार ये पूत के पावना पालने में दिख रहे हैं, ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। और जब उन्होंने बैटिंग करनी शुरू की, इनफैक्ट वो रोहित शर्मा को आइडलाइज करते हैं, और रोहित शर्मा को जब वो आइडलाइज करते हैं, मैं गाड़ी को जाने देता हूँ एक मिनट, गाड़ी आप जाइए, रोहित शर्मा को आइडलाइज करते हैं, रोहित जैसा काम भी किया उन्होंने, रोहित स्कोर 50 ऑन एस T20 आई डेब्यू, हैदर अली स्कोर 50 ऑन एस T20 आई डेब्यू, इनफैक्ट इज द ओनली पाकिस्तानी टू डू सो। और इनकी जो खास बात मुझे अच्छी लगती है, खेलने का अंदाज़ अच्छा है, ऐसा नहीं कि T20 खेल रहे थे, लप्पे चला रहे हैं, तरीके से बैटिंग करके इन्होंने बताया कि इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर रन, बी सक्सेसफुल इन T20 आईज इवन वेन यू आर बैटिंग प्रॉपरली। और आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइप हिम अप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट ब्रैडमैन है या फिर ज़हीर अब्बास बनेंगे, ऑल आई एम सेइंग इज पाकिस्तान इन्वेस्ट इन हिम, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स डोंट हाइप हिम अप जस्ट येट, पर फ्यूचर लड़के का अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू प्लेइंग हिम, गिव हिम मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड हैदर अली कुड बी दैट गाय, द नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्वालिटी क्रिकेटर्स, उसमें हैदर अली का नाम शुमार हो सकता है। तो बट दैट्स इट अबाउट अबाउट आकाशवाणी, आज की आकाशवाणी यहीं समाप्त करते हैं, आप चलते हैं जरा ऑन द राइज पर। अगर हमने पाकिस्तानी एक युवा बच्चे की बात कर ली है, तो क्यों ना अब इंडियन युवा खिलाड़ी की बात करते हैं। मयंक अग्रवाल इज अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इनफैक्ट जब आप बैटिंग करते हो ना, तो मैं पता है कहता हूँ, मयंक के खाते में 6 अंक और मयंक चौका, बड़ा मजा आता है आपको खेलते हुए देखने में। इंडिया कैप इतनी आसानी से आपको मिली नहीं, तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उससे पहले से, मतलब यू आर स्कोरिंग रन्स बाय ट्रकलोड्स, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड कि यार मेरे को सिर्फ डोमेस्टिक खेलनी है, इंडिया चाहता हूं मैं खेलना, आसान नहीं है यार, जब आएगा नंबर आएगा, बट आई हैव टू स्कोर रन्स। जी हाँ, वो देखो एज अ प्लेयर आपके दिमाग में जरूर चलता है कि यार इतने रन बनाए, नो अच्छा खेल रहा हूँ, अगर अभी चांस मिलेगा तो अच्छा, मतलब अच्छा खेल पाऊंगा, अच्छे रिदम में हुई, बट आई थिंक अब ऐसा सिचुएशन है कि एज अ प्लेयर आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं। मैंने भी ये सोचा कि हाँ जरूर, एज अ प्लेयर मैं अपनी तरफ से सोचता था कि खास चलो मैं अभी खेलूँ, जितना जल्दी इंडिया डेब्यू कर सकूँ और ज़्यादा खेल सकूँ तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप दूसरी तरफ से सोचें तो आप देखें, KL राहुल अच्छा खेल रहा है, पृथ्वी शॉ को एक चांस मिला, उसने 100 बनाया, मुरली विजय अच्छा खेल रहा था, शिखर धवन अच्छा खेल रहा था, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जी हाँ आप रन बना रहे हैं कि, बट अगर जगह ओपन है या नहीं है, यू नो इट इज़ वेरी इजी सेट एंड डन, वो आपके थॉट्स आते हैं, बट अगर आप उसको ऐसे भी सोचो कि देखो हाउ अ सेलेक्टर कैन बी थिंकिंग और हाउ द टीम मैनेजमेंट कैन बी थिंकिंग, यू नो इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब इतनी देर आप इंतजार करके वहां पहुंचते हैं, ये हम सबके साथ हुआ है कि कईयों को बहुत जल्दी मिल जाती है, कईयों को बहुत मेहनत करने के बाद, वेट करने के बाद मिलती है, तो दो चीजें होती हैं, या तो इतने सारे आप रन बना के जाते हो तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार जब मेरा मौका आएगा ना आई विल बी फाइन,
एक दूसरा थॉट ये रहता है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला यार, तो नाउ आई डोंट वांट टू लेट इट स्लिप, तो मुझे वो पकड़ के रखना है. तो एट टाइम्स यू बिकम स्लाइटली फियरफुल. आई वाज अ लिटिल फियरफुल. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट अ चांस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, और ये चांस आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, तो हाँ मैं थोड़ा बहुत फियरफुल था. बट आई थिंक इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट आपको ये सिखाता है, और एज यू प्ले और एज यू बिकम अ लिटिल यू नो एज यू प्ले दैट मेनी मोर गेम्स और दैट मेनी मोर सीजन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, यू अंडरस्टैंड, यू बिकम अ लॉट मोर मैच्योर. इनिंग्स एट दी एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, अभी दो दिन पहले आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हो और आपको कहा कि मयंक यू आर प्लेइंग योर ओपनिंग, और वहां पर मैं था, वो पिच बहुत ग्रीन थी. उतनी ग्रीन पिच इंटरनेशनल क्रिकेट में अमूमन नहीं मिलती. इंडिया विंस द टॉस, वी बैट फर्स्ट एंड यू आर वॉकिंग आउट टू बैट, जस्ट टेक मी देयर. टू डेज बिफोर द गेम स्टार्टेड रवि भाई सेड कि मयंक यू नो गोइंग टू बी गेटिंग अ गेम, गेट प्रिपेयर्ड एंड यू नो looking forward to you know your opening innings, and he said ki just trust in your ability, you know you've come the hard way, you've played a lot of domestic cricket, you've scored a lot of runs for you to come here, so trust the game, you don't have to make any major changes, just trust the game, go out there and play. अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं कभी मतलब नर्वस नहीं था, तो वो मतलब वो गलत बात होगी. तो मैं नर्वस था जरूर, और जब वार्म अप वॉर्म कर रहे थे तो जैसा नॉर्मली कोशिश करते हैं कि जो भी टीम का रूटीन है वो करें, वो भी कर रहा था, बट थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी और लग रहा था कि हाँ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं. Bowler, he is bowling well, he is getting wickets and he is troubling us. But agar main waise hi sochunga ki wo aise hi karenge, yahi hoga ball dalne se pehle, to fir I'm not going to add any positivity. So I definitely like to be positive and just make sure ki ha agar bowler bhi galat ball dale aur bowler bhi thodi mistake kare, if he is put under enough amount of pressure कि अगर उसे भी लगेगा कि नहीं अगर मैंने थोड़ी डाली और रन गए तो मैं प्रेशर में आ सकता हूँ, तब वो बैटल एज अ बैट्समैन देन यू नो ऑन यू नो इन टफ कंडीशंस और यू नो व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलर्स, दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग प्रेशर बैक ऑन देम. एंड आई डिसाइडेड एंड वंस आई प्लेड ओवर टू आई फेल्ट द बॉल वाजंट टर्निंग एज मच, ही वाज बॉलिंग ओवर द स्टंप, सो आई सेड कि अगर थोड़ी और ज़्यादा विथ देगा, मतलब इफ ही बॉल्स लॉट वाइडर to the off stump, I said I will, because you know there was a lot of open space between point and cover. Said ki let me, you know, I know it's a little risky, but let me go for it. Virat ki preparation kya rehti hai? How, what is it that you actually learn from the guy? Because you see a great man sitting next to you, or he's an inspiration. His will to succeed. You know, his attention to detail, his will to succeed, his will to perform, his will to go out there and fight. You know, fight every situation and you know take everything in his stride is something that is very, very commendable. You know, that's something that you know we all can learn something from. You know, he's a very expressive person. And the amount of effort he puts is the same amount of effort he expects the people around him to put.
So when you see your captain go out there and you know play the way he plays, so definitely it is inspirational. Great home season. वो भी रहा उसके बाद बांग्लादेश वाली सीरीज में फर्स्ट मैच वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल इंदौर में एवरीबॉडी सेड मयंक वंस मोर एंड यू वर डिलीवरिंग छक्के 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 वर यू ऑलवेज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन क्योंकि ओपनर्स अमूमन फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छी खेलते हैं स्पिन ओके खेलते हैं व्हाट्स मेक्स यू अपार्ट या स्टैंड्स यू अपार्ट इज कि आप स्पिन बहुत अच्छी खेलते हो यार मैं अपने आप को बैक करता हूं यू नो कि चाहे फास्ट बॉलर खेलो या स्पिनर बट आप भी जानते हैं एज अ ओपनिंग बैट्समैन बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ फास्ट बॉलर होगी नई बॉल फास्ट बॉलर अभी थोड़ा एक दो दो स्पेल खत्म हो गए थक चुके हैं नई बॉल अब बॉल थोड़ी पुरानी होगी अब स्पिनर आएंगे अब बचपन से खेलते आ रहे हैं अब तो मज़ा ही आता है स्पिन खेलने में मलाई खाने का टाइम है डिफिकल्ट और इजी वॉज प्लेइंग द पिंक बॉल वो क्योंकि पहली बार आप खेल रहे हैं टेस्ट मैच है थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट भी रहती है अंडर लाइट्स वॉज इट डिफिकल्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ सीइंग द बॉल साइटिंग द बॉल थोड़ा सा देर हो रही थी दिक्कत हो रही थी व्हाट वर द चैलेंजेस एक्चुअली एज अ टेस्ट ओपनर जी मैं आपको बताता हूँ पिंक बॉल में आई थिंक ओपनिंग बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो इट्स दैट टाइम ऑफ द डे कि जहाँ मतलब यू नो देर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट बॉल क्लियरली दिखती है हाँ बॉल थोड़ी मतलब एज कम्पेयर टू अ रेड बॉल इट डज अ लॉट मोर इट कट्स अ लॉट मोर थोड़े यू नो देर इज अ लिटल मोर पेस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ लैकर द शाइन द पुट ऑन द बॉल देर इज अ लिटल पेस ऑन द बॉल बट ओपनिंग बैट्समैन के लिए वहाँ मेरे को लगता है कि बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आप देखो अपोजिशन कैप्टन को भी लगता है कि पिंक बॉल है नई बॉल है जब थोड़ी पुरानी हो जाती है ज़्यादा कुछ नहीं करते ज़्यादा कुछ नहीं होता वो बॉल में तो वो एक्स्ट्रा स्लिप फील्डर लगाएंगे थोड़ा ओवर अटैक करेंगे मतलब अटैक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ मेरे को लगता है एज अ ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा आसान हो जाता है कंपेयर टू व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग आई थिंक अराउंड 6:30 बिटवीन सिक्स या बट दैट ट्वाइलाइट टाइम इज आई हैवंट बैटेड एट द टाइम बिकॉज़ आई गॉट आउट अर्ली बट दैट इज़ द टाइम वे मतलब हमारी इंडियन टीम में कम्युनिकेशन चल रहा था जहाँ थोड़ा साइटिंग डिफिकल्ट था तो कभी ये जहन में आया था कि यार आईपीएल अब मैं खेल रहा हूँ और आईपीएल में मेरा एक दोस्त है वो तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है केएल राहुल नाम से जाना जाता है वो और ये एक मेरे पास मौका भी है मैं इंप्रेस कर सकता हूँ चलो टेस्ट में जब नंबर आएगा क्यों नहीं मतलब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट को थोड़ा सा और प्रेफरेंस देता हूँ थोड़ी सी और पिटाई करता हूँ गेम को चेंज करता हूँ और आईपीएल में आई मेक अ स्प्लैश अ बिग स्प्लैश कि रेड बॉल नहीं तो चलो व्हाइट बॉल में तो नाम आ ही जाए एज अ प्लेयर आई अंडरस्टैंड कि आप हु यू नो यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग विद केएल राहुल यू गोइंग टू बी प्लेइंग विद विराट कोहली यू गोइंग टू बी प्लेइंग विद रोहित शर्मा यू नो शिखर धवन देयर पृथ्वी शॉ सो यू अंडरस्टैंड एंड यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्लेयर्स देयर आर अराउंड यू एंड यू से कि हाँ भाई अगर आपको उनके आपको इंडिया के लिए खेलना है तो यू हैव टू स्कोर दैट मेनी रन्स एंड आईपीएल बिकम्स अ बिग फैक्टर तो हाँ वो आईपीएल में वो ज़्यादा होता था कि हाँ नहीं देख रहे हैं कि आईपीएल में रन बनाऊंगा तो और वो हो जाएगा बट फिर आई थिंक वही वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि डेस्परेशन में यू नो ईगरनेस टू परफॉर्म बहुत अच्छा है बट वो अगर डेस्परेशन की तरफ हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है Lovely talking to you, Mayank. Thank you so much for giving us the time. So, thank you so much, Akash. Thank you so much. Keep giving me moments. मुझे बड़ा मजा आता है. चार अंक, छह अंक, Mayank, the wall, then Mayank Agarwal. It just works by there. मजा आता है. Thank you so much, Akash bhai. You're very kind, yeah. Thanks a lot. Take care of yourself, brother. कैसा लगा आपको ऑन द राइज जरूर बताइएगा क्योंकि मयंक अग्रवाल मुझे तो बहुत पसंद है आई लव हिम टू बिट्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड ही शोज मैच्योरिटी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू डू एक्सीडिंगली वेल इन द आईपीएल एंड द टेस्ट मैचेस टू कम फटाफट से आरना आ रहा हूँ मैं बेटा आ रहा हूँ मैं आप जरा फटाफट से देखिए स्पोर्ट्स लैब की स्पोर्ट्स जगत की बाकी खबरें बताएं साइकिलिंग में करने वालों बात
भारत के हाईएस्ट ओपन के पहले राउंड के मैच में हराया। नागाल ने ये मैच 4 सेट्स में 2.5 घंटे के अंदर जीत लिया। 2013 में सोमदेव देव वर्मन आखिरी भारतीय थे यूएस ओपन में एक सिंगल्स मैच जीतने वाले। पिछले साल के यूएस ओपन में फेडरर के अगेंस्ट खेलते हुए नागाल ने स्विस माइस्ट्रो के अगेंस्ट मैच तो हारा था लेकिन एक सेट भी जीता था। इसके बाद फर्स्ट राउंड से प्रोग्रेस करना नागाल खेलेंगे वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थियम से। All the best, Sumit. You've made us proud. इंडिया में PUBG बैन हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेंसे को 118 चाइनीज मोबाइल एप्स इंडिया में बैन कर दी हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है ई-स्पोर्ट गेमिंग ऐप PUBG का। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव PUBG प्लेयर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये ऐप सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ब्लॉक किया गया है। PUBG की इंडिया में पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि एक ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंडियन यूजर्स के लिए, जिसका प्राइस पूल था 55 लाख रुपए, जो अब कैंसिल कर दिया गया है। But we are here to cycle. अच्छा सॉरी, आप मैं इनको साइकिल कराता हूँ। आप प्लीज़ शो को पिन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए और फटाफट से ना आप अपनी आकाशवाणी, मतलब आपके शॉट देखिए, मेरी आकाशवाणी सुनिए और मैं इनको लेके जाता हूँ। यू वांट टू कम डाउन? ओके, बाय बाय, टेक केयर, चलो। रनअप तो अच्छा है इनका, लोडिंग उससे भी बेहतर, साइड ऑन एक्शन, बढ़िया स्ट्राइड।